मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद गोस्वामी के द्वारा अभिरचित जो 12 भावनाएं हैं, 12 अनुप्रेक्षा नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त दास अनुप्रेक्षा के नाम से, उनमें चल रहा है प्रकरण बोधिदुर्लभ भावना का अंत में मोक्ष गया जय पुरुषा अनायिकालेन बार अनुवेक्षम परिभावीण सम्मम प्रणमामि पुनः पुनः तेसिम। श्री आचार्य देव कहते हैं कि आज तक जो अनादिकाल से लेकर आज तक जितने भी महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन सभी ने इन 12 अनुप्रेक्षाओं का अच्छी तरह चिंतन कर करके ही मोक्ष प्राप्त किया है। मैं उन मोक्ष प्राप्त महापुरुषों को एवं 12 भावनाओं को बारंबार नमस्कार करता हूँ। किम पलवेण बहुना जय सिद्धा नरवरा गए काले चिज्या जय विभविया तम जान तत्समाहपम। श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि बहुत कहने से क्या, अतीत काल में जितने भी महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और जो भविष्य में काल में सिद्धि को प्राप्त होंगे, उन सब इन 12 अनुप्रेक्षाओं का ही महत्व समझो। इज निश्चय व्यवहारम जम्भणियम कुंद कुंद मुनि नाहे जो भावई शुद्ध मनो सो पावई परम निर्वाणम। इस 12 अनुप्रेक्षा में श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपना नाम भी अंत में लिया हुआ है कि इस प्रकार से निश्चय व्यवहार नयो की अपेक्षा करके जो 12 भावनाओं का मैंने वर्णन किया है, कुंद कुंद मुनि नाहे कुंद कुंद नाम के मुनिराज जो मैंने इस प्रकार से निश्चय व्यवहार का अवलंबन लेकर के जो 12 भावनाओं का वर्णन किया है, जो भावई शुद्ध मनो जो महापुरुष शुद्ध मन होकर के भावना करेंगे करते हैं और करते रहेंगे, सो पावई परम निर्वाणम वो निश्चित ही परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। श्री कुंद कुंद स्वामी ने इस द्वादशानुप्रेक्षा में अपना नाम उच्चारण किया है। इससे पूर्व जो उनके ग्रंथ हैं पंचाष्टिकाए समय सार नियम सार प्रवचन सार अष्टपाहुण आदि ग्रंथ और भक्ति ग्रंथ आदि, उनमें किसी में भी उनका नाम नहीं आया है। टीकाकारों ने ही उनके बारे में दिया हुआ है वर्णन, और टीकाकारों के कहने से ही हम और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि समय सार की रचना नियम सार की रचना प्रवचन सार और पंचाशिका आदि ग्रंथ श्री श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित है। इस बात को ध्यान में रखना है हमें और आपको। तो आज 12 भावनाओं का अनुप्रेक्षा का वर्णन मैंने पूर्ण किया है। ये 12 भावनाएं हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों। हम और आप भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए और अपनी आत्मा में निश्चय और व्यवहार नहीं का अवलंबन लेकर चिंतन करें। निश्चय निश्चय आत्मा चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा है, शुद्ध है, संसारी नहीं है, भगवान आत्मा है, परमात्मा है, सिद्ध स्वरूप है, संसार में रहते हुए सिद्ध स्वरूप है। और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संसारी है, और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ही 12 भावनाओं का चिंतन करके और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेकर के और पंच महाव्रत आदि व्रतों का पालन करते हुए पांच प्रकार के चारित्र का पालन करते हुए निर्वाण को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। श्री कुंद कुंद स्वामी के समय सार में श्री अमृतचंद सूरी ने एक गाथा कही है कि जय जिन मयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुयह एक केन विना चिज्जय तीर्थम अनुत्तम। अगर आप जैन शासन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो निश्चय व्यवहार में मोह को मत प्राप्त हो, निश्चय व्यवहार में प्रमाद मत करो। एक के बिना व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ नहीं चलेगा, एक केन बिना चीज तीर्थम व्यवहार के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा, तीर्थ समाप्त हो जाएगा, और निश्चय के बिना तत्व का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का बोध नहीं होगा। इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों को जब निश्चय की अपेक्षा रखते हैं तो व्यवहार ने गौण हो जाता, छूटता नहीं है, और जब व्यवहार ने की अपेक्षा लेकर चलते हैं तो निश्चय ने गौण हो जाता, छूटता नहीं है।
अपेक्षाकृत नए जैन शासन का महत्वपूर्ण विषय है। जैन शासन इन नए व्यवस्था पर ही अवलंबित है। निश्चय और व्यवहार नए का आश्रय लेकर के एक नए को गौण करके दूसरे को प्रधान करके हम और आप वस्तु तत्व को समझ करके और चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा की भावना करते हुए और द्वादशान अपेक्षा का भी चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही भावना, यही प्रेरणा और इस मंगलमय आष्टानिक पर्व में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हम और आप भगवंतों का भी अभिषेक देखा है। पंचावृत अभिषेक ये व्यवहार नहीं का अवलंबन है। आचार्य श्री शांतार महाराज भी बराबर पंचावृत अभिषेक प्रतिदिन देखते थे। मैंने स्वयं नीरा में, बारामती में और कुंथलगिरी में आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त करके देखा हुआ है और उनके सानिध्य में बैठकर अभिषेक भी देखा हुआ है। अंतिम दिन तक भी उन्होंने बराबर उनको उस कुटी में लोगों ने भगवान की प्रतिमा वहाँ विराजमान करके बराबर पंचावृत अभिषेक दिखाया है। और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज भी बराबर संघ सहित, चतुर्विध संघ सहित बैठते थे, अभिषेक देखते थे। ब्रह्मचारी सूरजमल जी, राजमल जी आदि ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारिणीगण सब और श्रावक श्राविकाएं मिलकर के सब पंचावृत अभिषेक रोज दिखाते थे। ऐसे ही आचार्य परंपरा में बराबर परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भी दिग्गज व्यापी जीवंत रहे, इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत भरो, देवी शक्ति गणनी प्रमुख आयता श्रोणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय।